तो सैमसंग ने अपना फ़ोन सही टाइम देख के आखिरकार लॉन्च कर दिया है इंडिया में, वो भी रेडमी नोट 7 के एक दिन पहले ही। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि शाओमी का रेडमी नोट 7 या सैमसंग गैलेक्सी का M30 बेटर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फ़ोनों की स्क्रीन की। तो यहाँ पर आपको सैमसंग में जो मिलता है, सैमसंग में मिलता है सुपर एमोलेड फुल HD प्लस इन्फिनिटी टाइप यू डिस्प्ले। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन साइज़ मिलता है वो है 6.4 इंचेस का। यहाँ पर जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो है 19.5:9 का। यहाँ पर जो स्क्रीन रेशियो है ऑलमोस्ट 90% का है। वहीं दूसरी तरफ आपको जो रेडमी नोट 7 में आपको जो स्क्रीन साइज़ मिलता है वो मिलता है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर जो एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा आपको 19.5:9 का, ऑलमोस्ट सेम एक्सपेक्ट रेशियो है। यहाँ पर भी आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको एक क्लियरली बात बता दूँ, यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज़ है वो सैमसंग का बड़ा है, और जो सुपर एमोलेड वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी रेडमी नोट 7 के फ़ोन से। किसी भी हालत में सबसे बेटर रहेगी सैमसंग की स्क्रीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि है दोनों फ़ोनों का कैमरा। तो यहाँ पर जो कैमरा दिया गया है सैमसंग M30 में वो दिया गया है ट्रिपल कैमरा। जी हाँ, इस प्राइस रेंज में ऐसा पहला मोबाइल है जो 3 कैमरों के साथ आता है। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया गया है, जहाँ पर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा अपर्चर साइज़ f1.9 के साथ, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का, जो कि है अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पर 123 डिग्री का यहाँ पर आपको वाइड एंगल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है लाइव फोकस के लिए। यहाँ पर आप लाइव कंट्रोल भी कर सकते हैं आपकी लाइव फोकस को, जिसका परचेज साइज होगा f2.2 का। यहाँ पर वैसे जो पिक्चर्स आएंगी आप उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं उसमें लाइव फोकस। वहीं दूसरी तरफ आपको रेडमी नोट 7 में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा थर्ड कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ डुअल रियर कैमरा मिलता है, जहाँ पर उसका जो पिक्सल साइज रहेगा उसके रियर कैमरा का वो है 48 मेगापिक्सल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, प्लस 5 मेगापिक्सल AI डुअल कैमरे के साथ। यहाँ पर एक एडवांटेज है रेडमी नोट 7 को कि यहाँ पर AI डुअल कैमरा है, और उसका जो अपर्चर साइज रहेगा वो है 1.6 μm का। यहाँ पर 4-in-1 पिक्सल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसका जो μm साइज़ है वो है पिक्सल साइज़ मतलब 1.6 पहुंचा है। उसका जो अपर्चर साइज़ होगा f1.8। तो यहाँ पर देखने से तो लगता है कि जो Redmi का नोट 7 है उसका कैमरा थोड़ा सा बेटर रहेगा, फिर वो चाहे थोड़ी सी लो लाइट परफॉर्मेंस हो, बट यहाँ पर आपको कोई भी वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है, तो आपको इस बात के लिए थोड़ा सा अफसोस होगा ज़रूर कि सैमसंग में M30 में वाइड एंगल भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसका जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए काम आता है, जहाँ पर आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है, ऑटो HDR मिलता है, बाकी सब चीज़ें मिलती हैं, फेस रिकॉग्निशन मिलता है, और आप यहाँ पर 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 फ्रेम और 30 फ्रेम। सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देता है 1080p में 120 फ्रेम पर सेकेंड में। बट चलिए, ये थोड़े सा एडवांटेज ज़रूर है रेडमी नोट 7 को कैमरे के डिपार्टमेंट में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो सेल्फी वाला कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर है रेडमी नोट 7 का, क्योंकि यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जहाँ पर आपको AI पोर्ट्रेट भी मिल जाएगा, इसके साथ कई सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे जो सैमसंग का कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का है, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट यहाँ पर आपको फ्लैश नहीं मिलता है, जैसे कि उसने अपनी छोटी सीरीज J7 में आपको फ्लैश दिया गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आपको M30 में फेस अनलॉक मिलता है, यानी फेस ID मिलती है, जहाँ से आप डायरेक्टली अपने फेस अनलॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भी आपको रेडमी नोट 7 में फेस अनलॉक भी मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप कैमरे डिपार्टमेंट में कहें तो सिर्फ एक चीज़ एडवांटेज में आती है सैमसंग के, वो है उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस। बाकी सारी चीज़ें, फिर वो चाहे मेन कैमरा हो, सेंसर साइज हो, चाहे सेल्फी वाला कैमरा हो, दोनों ही चीज़ें आप रेडमी नोट 7 में ज़्यादा बेटर मिलेगी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर सैमसंग ने M30 में वही पुराना प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि उसने यूज़ किया था M20 में ही, जो कि है सैमसंग का 7904 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 1.8 GHz डुअल कोर और 1.6 GHz हेक्सा कोर। यहाँ पर इसका जो GPU यूज़ किया गया है वो किया गया मालिका G71MP2 का। यहाँ पर जो प्रोसेसर है 14 नैनोमीटर की फिनफैट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और यहाँ पर आपको 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज भी मिलेगी और 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज भी मिलेगी। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड मिल जाता है और दोनों ही सिमें 12 वोल्टी हैं, यानी आप दोनों सिमों का यूज़ कर सकते हैं और माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना हो तो। वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi Note 7 में स्नैपड्रैगन का थोड़ा सा पुराना है बट काफ़ी दमदार प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन का 660, जहां पर आपको GPU मिलता है जो मिलता है 512 का और जो प्रोसेसर की GHz है क्लॉक है वही 2.2 GHz तक। यहां पर आपको 3 वर्जन मिलते हैं, 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज और 6 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज। यहाँ पर आप बढ़ा तो सकते हैं अपनी स्टोरेज को बट मे बी ये ज़्यादातर हाइब्रिड ही होती है और ये भी आपको डुअल वोल्टी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम फाइनली बात करें दोनों के प्रोसेसर की तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 660 ज़्यादा बेटर प्रोसेसर है क्योंकि यहाँ पर आप अपने पबजी को HD ग्राफिक्स में प्ले कर सकते हैं बहुत माइनर से लैग के साथ, बट यहाँ पर आप M30 में आप HD में प्ले नहीं करें तो ही बेटर रहेगा। अगर मैं कंपेयर करके बताऊं कि ये स्नैपड्रैगन के किस प्रोसेसर के बराबर होगा तो आप कह सकते हैं इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 630 या 632 के बराबर आएगा। तो डेफिनेटली आपको प्रोसेसर में तो M30 ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता है तो प्रोसेसर में तो डेफिनेटली आपको Redmi Note 7 ज़्यादा बेटर निकलेगा ही, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा पुराना ज़रूर है बट काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी जो बैटरी है सैमसंग M30 की। नो डाउट सबसे बेटर बैटरी है क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की यूज बैटरी दी जाती है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही आपको 15 वॉट का USB-C टाइप फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि 3 times ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। वैसे इतनी बड़ी कैपेसिटी है तो आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही और आप डेफिनेटली आराम से 25 घंटे तक आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, 31 घंटे तक आप इसमें बात कर सकते हैं और 105 घंटे तक आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं। वैसे ये बात अच्छी है कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स इसका फास्ट चार्जर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर Redmi में 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर भी आपको USB-C टाइप मिलेगी ही बट यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी जो कि होगा फास्ट चार्जर। जी हाँ, आपको बॉक्स के अंदर फास्ट चार्ज नहीं मिलेगा Redmi Note 7 में। इसकी वैसे ऑफिशियली कल लॉन्च है बट यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ इसके बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री रही है कि कॉस्ट कटिंग के लिए वो अपना फास्ट चार्जिंग नहीं देता है। आपको ये फास्ट चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट दे रहा है बट ये आपको अभी तक के अवेलेबल नहीं है इंडिया में 4.0। आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लियरली विनर है M30, जहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो M20 है उसकी जो फास्ट चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है बट जो फास्ट चार्जिंग रियली में होती है उस पे तो काम नहीं दे पाता है सैमसंग का M20 और M30 पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरी चीज़ों पे, जैसे कि यहाँ पर आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है इंटरटेनमेंट के लिए वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेट एंड डॉल्बी एटम साउंड। यहाँ पर आप अपने नेटफ्लिक्स हो चाहे अमेजोन हो, यहाँ पर आप HD में HD कंटेन में उसके स्ट्रीम कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ Redmi Note 7 में आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। Dolby Atom साउंड नहीं मिल रहा है, HD कंटेन नहीं मिल रहा, तो ये एक हाईलाइट भी है। और यहाँ पर जो SAR वैल्यू है, जैसा कि अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना ही होगा शायद कि SAR वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर आप SAR वैल्यू देख सकते हैं 0.409 W/kg हेड में, यानी आपका जो भी हेड होगा, आपका जितने भी किलो का हेड होगा उसमें पर केजी 0.409 W आपको रेडिएशन लेना पड़ता है। वैसे सैमसंग इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, रेडिएशन के मामले में सबसे कम रेडिएशन देता है। और वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi Note 7 में
Redmi के जितने भी डिवाइस हैं वैसे इसके जो स्टैंडर्ड हैं उसके अंदर ही हैं, बट काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन देते हैं, तो आप इस पर भी थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। और दूसरी बात, सैमसंग M30 के कलर ग्रेडियंट ब्लू और ग्रेडियंट ब्लैक, ये दोनों कलर्स में आएगा। आपको इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी 7 मार्च से, और यहाँ पर हो सकता है आपको ये ओपन सेल में मिल जाए। तो यहाँ पर जो Redmi Note 7 इसकी जो सार वैल्यू होगी वो इंडिया के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, तो वो जब आएगी हम तब बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। जैसे कि यहाँ पर आपको Redmi Note 7 प्रोवाइड करा रहा है आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, बट मैं आपको एक क्लियरली बता दूँ, Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है तो भी आप कोई मतलब मत रखिए, बिल्कुल भी ड्यूरेबल डिवाइस नहीं है Redmi Note 7। वहीं दूसरी तरफ भी आपको M30 में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, बट एक सैमसंग की ब्रांडिंग है तो आप थोड़ा सा एक लेके चल सकते हैं कि थोड़ा सा मजबूत होगा बिल्ड क्वालिटी में। दोनों ही फ़ोनों में आपको कोई भी मेटल फ्रेम नहीं मिलता है, प्लास्टिक बॉडी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के सेंसर्स की। तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सारे सेंसर मिल जाते हैं, बट यहाँ पर सेंसर के मामले में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है Redmi Note 7 को, जहाँ पर आपको जायरोस्कोप मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर, डिस्टेंस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, फिंगरप्रिंट, एम्बिएंट लाइट सेंसर, वाइब्रेशन मोटर और इंट्राफेरेड सेंसर। और दूसरी तरफ आपको M20 में एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट, जायरो सेंसर, ज्योमेट्रिक सेंसर, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर और वर्चुअल लाइट सेंसिंग मिल जाता है। तो थोड़े से जो सेंसर हैं वो थोड़े से कम हैं, बट आपको उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने खास काम नहीं आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली कि कौन सा बेटर डिवाइस रहेगा। अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो सैमसंग M30 ही बेटर रहेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो M30 परचेस कर लीजिए, और आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी चाहिए तो आप डेफिनेटली M30 पे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए या अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए, तो आप डेफिनेटली Redmi Note 7 को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 660 है, AI के साथ भी आता है, तो आपको थोड़ा सा कैमरा में भी एडवांटेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें Exynos 7904 से तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर निकलता है स्नैपड्रैगन का 660। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ बताना है, या अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके, वो भी टाइम पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।